हाय फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे कि किसी भी डीटीएच या डीवीडी के पैनल से एम्पलीफायर कैसे बनाएं। तो जैसे कि आप दोस्तों देख सकते हैं, ये डीटीएच डीवीडी दोनों सेम ही हैं। देख भी सकते हैं, यहाँ से आप आवाज़ भी बढ़ाने का इस पैनल पे दिया रहता है, और अगर आप डीटीएच का लेंगे तो उस पर बेस भी बनाने का यहाँ पास बगल बगल में दिया रहेगा। ये मेरे पास डीवीडी का है, तो इसमें केवल आवाज़ बढ़ाने और घटाने का ऑप्शन है। तो दोस्तों, और आप देख सकते हैं कि इसमें आवाज़ भी घटाने बढ़ाने का और गाना एक्सचेंज करने का और हर चीज़ है इस पर। और आप इस पर आपका अगर रिमोट होगा तो रिमोट भी काम करेगा, क्योंकि आप दोस्तों देख सकते हैं ये जो ब्लैक ब्लैक लगा हुआ है ये फ्रेंड्स, तो ये कैच भी करेगा अगर दोस्तों आपका पास इसी का रिमोट है तो काम करेगा। तो दोस्तों फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप जैसे देख सकते हैं इस पर कि कितनी वायर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 देख सकते हैं। दोस्तों आप भी गिन लीजिए कितनी वायर्स हैं। दोस्तों आप गिन चुके होंगे अभी तक, तो दोस्तों आपने देख लिया होगी 6 वायर्स हैं इस पर। तो आपको फ्रेंड्स करना क्या है, यहाँ इस साइड से आपको पूरी 6 के 6 तारों को काट लेना है, और काटने के बाद दोस्तों इधर से जहाँ से आपको ये फ्रेंड्स दिख रहा होगा कट, ये इसी कट वाले से आपको 2 वायरें काट देना है, और यहाँ ये इन्हीं 2 वायरों में आपको दोस्तों बैटरी का करंट दे देना है, और इसी के बाद फिर उसी के आगे कंटिन्यू 2 तारें काट देना और इस पर स्पीकर जोड़ देना है, और इसी तरह कंटिन्यू 2 वायरें में आपको AUX केबल जोड़ देना है या तो ब्लूटूथ मॉड्यूल जोड़ देना है। तो दोस्तों इसी तरह आपको पूरा बन जाएगा। इसके बाद आप दोस्तों USB अगर लगाना चाहते हैं तो ये इसी 2 वायरों में, लास्ट के 2 वायरों में दोस्तों आप जोड़ सकते हैं USB वाला सिस्टम। तो दोस्तों आपका बन जाएगा फिर एम्पलीफायर। और दोस्तों आप जब यहाँ करंट दे देंगे तो जैसे कि आप ये LED बल्ब लगा है जलने लगेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करिएगा। अगर दोस्तों समझ में नहीं आया होगा, तो अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं आपको पूरा बनाकर दिखाऊंगा अगले वीडियो में अगर समझ में नहीं आया है तो।